लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पद स्थापना की गई है। इस कड़ी में सहरसा जिला में भी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिली। कई अधिकारियों का फेरबदल के बीच एसपी के रूप में हिमांशु कुमार ने पदभार ग्रहण किया। गुरुवार को एसपी हिमांशु कुमार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र के शर्मा चौक के पास श्री श्याम रोड लिंक कंपनी ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पास दो ट्रक चालक और खलासी ट्रक के अंदर सोए हुए थे, जिसमें रात्रि में करीब 12:30 बजे 3 अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर उनके पास से लगभग 3,000 रूपये और एक मोबाइल छीन लिया गया। वहीं जब अपराध कर्मियों के द्वारा दूसरे ट्रक पर चढ़कर ड्राइवर से हथियार का भय दिखाकर रुपया और मोबाइल मांगने लगा, तो ट्रक चालक के द्वारा रुपया देने से इनकार किया गया, तो अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई। गोली लगने पर ट्रक चालक ट्रक लेकर भागने लगे। वहीं भागने के क्रम में ट्रक पर सवार 3 अपराध कर्मियों में से एक अपराधी की मृत्यु ट्रक के चक्के के नीचे गिरने से कुचलकर हो गई। मृतक अपराधी की पहचान रोशन कुमार पिता रामानंद यादव साकिन केहरा ब्लॉक वार्ड नंबर 42 थाना जिला सहरसा के रूप में हुई। वहीं गोली से जख्मी ट्रक चालक सिपाही गोंडा की भी मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में ट्रक के खलासी सुनील चौहान ने फट बयान के आधार पर सदर थाना कान संख्या दिनांक 29/1/2024 और 27 आम सेक्ट के दर्ज किया गया। साथ इस कार्ड में सफल उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला सूचना इकाई कर्मी और सदर के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष श्री राम सिंह उन अधिकारियों को शामिल कर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर घटना में शामिल दो अन्य प्राप्त कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और गोली बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों में सोनू कुमार पिता राजदीप यादव, गोपाल कुमार नरेश दास दोनों केहरा ब्लॉक रोड वार्ड नंबर 42 थाना और जिला सहरसा के निवासी। उनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, एक खोखा और फोल्ड बेल चाकू बरामद किया गया है। सदर थाना क्षेत्र दिनांक 28/1/2024 को 11 बजे रात में लगभग दो ट्रक वाले शर्मा चौक के पास श्री श्याम रोड लिंक कंपनी ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पास लगा के वो सोए हुए थे, क्योंकि उस दिन कोहरा बहुत था इसीलिए। तो इसी बात का मौका, इसी जो घटना का मौका उठाकर रात्रि में करीब 12:30 बजे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के भय दिखाकर उनके पास नगदी लगभग 3,000 रुपये एवं एक मोबाइल लूट लिया गया। जब अपराध कर्मियों के द्वारा दूसरे ट्रक पर चढ़कर ड्राइवर से हथियार का भय दिखाकर रुपया एवं मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया, तो वो ट्रक वाले जो थे वो उसको देने से इनकार किए। उसी के दौरान जो है अपराध कर्मियों ने उस ट्रक वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी क्रम में ऐसा भी हुआ था कि वो ट्रक एक अपराध कर्मी जो है वो एक्सीडेंट में ही एक मारा गया था, स्पॉट पे ही मारा गया था, वो ट्रक से कुचल के मारा गया था। जैसे यह सूचना हमारे नज़र में आई तो एक विशेष टीम का गठन किया गया। हम लोगों ने SDPO सदर के नेतृत्व में एवं SHO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें हमारे टेक्निकल टीम के भी पदाधिकारी थे। इन्होंने मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस संवेदनशील घटना को आगे बढ़ाया और इन्होंने फिर जो व्यक्ति जो ट्रक से कुचला गया था उसकी पहचान की और उसी से उनके जो गैंग है उसके बारे में हम लोगों को पता चला। उक्त घटना के संबंध में ट्रक के जो खलासी हैं सुनील चौहान, उनके फर्द बयान पे सदर थाना में एक 8924 केस हुआ, जो 394, 302, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट जिसमें धारा लगे हुए हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने आगे अनुसंधान करते हुए विगत 2 दिनों में ही हम लोगों ने अन्य जो अपराधकर्मी थे, क्योंकि 3 मैंने आपको बताया था, सोनू कुमार पिता राजदीप यादव एवं गोपाल कुमार पिता नरेश दास, इन दोनों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो तीसरा जो मरा था उसका जो साथी था, इस घटना में जो प्रयोग किया हुआ जो आर्म्स था कट्टा, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। साथ में कट्टे के साथ हम लोगों को एक कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे की अनुसंधान भी जो है सो की जाएगी, इसको स्पीडी ट्रायल में भी डाला जाएगा ताकि इन अपराधियों को सजा जल्दी मिले और जो हमारी टीम है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद।